हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सब कुशल मंगल में होंगे। मैं मॉडर्न वेलकम सीनियर सेकेंडरी स्कूल भीमान से कन्हैयालाल बेहरा क्लास 12 के लिए कुछ हिंदी के पाठों को ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। आशा है आप लोग अपनी परीक्षाओं को ध्यान में रख करके और जो कुछ भी मैं अपने पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ा रहा हूँ आप जरूर उनको सुनेंगे, उनके प्रश्नों उत्तरों को समझेंगे। मैं वैसे तो अपनी जो पुस्तक है उसके अंदर दो पार्ट है, पहला पद्य पार्ट है, दूसरा अपना गद्य पार्ट है। तो सृजन बुक को ही सबसे पहले शुरू कर रहा हूं जिसमें अपना पहला पार्ट है। तो बहुत ही सुंदर, जीवनोपयोगी और वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर उस कवि का बहुत बड़ा महत्व हो जाता है। उसकी सीख समाज और व्यक्ति के लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि जो 600-700 साल पहले जो बातें कही थी आज वो बहुत ही प्रासंगिक है। मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ भक्ति काल के एक श्रेष्ठ कवि की जिसका नाम आपने भी सुना है और मैं भी कह रहा हूँ, वो है कबीरदास। एक सामान्य शब्द साधारण रूप में अपन जब कभी कहते हैं कि संत शब्द सुनते ही हमारे मन में एक चित्र उभर आता है। संत बोले तो कौन, जिसके बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी जटाएं, बड़े बड़े तिलक किए हुए, भगवा वस्त्र धारण किया हुआ, मोटे मोटे मणियों की माला। लेकिन अगर कबीर को देखोगे तो ये एक भी चीज उनके पास नहीं मिलेगी, एक लंगोटी एक ओढ़ने के लिए दिशा है, इसके अलावा उनके पास में कुछ नहीं होता। उन्होंने तो इस सब चीजों का खंडन किया कि जब माना छापा तिलक सरे नंदे को कहा कि कभी भी माला जपने से, बड़े बड़े तिलक लगाने से हमारा कोई काम बनता नहीं है या ईश्वर की प्राप्ति होती नहीं है। इस पाखंड का उन्होंने बहुत ही पुरजोर विरोध किया। मित्रों, आपके प्रश्न कवि परिचय का भी आता है, तो कवि के जीवन परिचय आता है और दूसरा इसके जैसा एक प्रश्न होता है वो कवि का साहित्यिक परिचय, उसके विस्तार में हम बाद में जाएंगे। एक सामान्य परिचय मैं दे देता हूँ कि एक तो मैंने बोर्ड पे भी ऐसे लिखा है कि उनकी जन्म तारीख और उनकी स्थान का नाम, जन्म स्थान का नाम और उनकी मृत्यु कब होगी, कहाँ होगी, ये जरूर याद रखें। इसके बाद उनकी रचनाएं कैसी कैसी थी इसके बारे में आप लोग जो है जानकारी लें, और ये जो मैंने संक्षिप्त में लिखा है उसको जब आप होमवर्क करते हैं तो आप सबसे पहले इन चीज़ों को उतारना जो ऊपर में है, इनकी जो रचना है वहाँ तक ये जो जान रहे हैं वो जरूर आप उतारना। बाकी तो ये दोहे हैं आपके पास में, अगर पुस्तक है तो बहुत अच्छी बात है, आप पुस्तक लेकर के बैठना और फिर मेरे को सुनना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। एक अपने जब आप पढ़ने बैठते हैं और अगर आपके पास में पुस्तक है तो आप पेंसिल लेके बैठें, कुछ शब्दों के अर्थ आप उसी दोहे के अंदर उस शब्द के ऊपर ही लिखते हैं तो आपको पूरे देवों के दोहे को समझने में सरलता होगी। दोहों का अपना एक अलग महत्व है, ये गेय होते हैं, छंदोबद्ध है, दोहा छंद है, इसलिए इनको अब अपन राग में बोलते हैं तो और भी अच्छे होते हैं। तो सबसे पहले मैं सामान्य साहित्य का परिचय दे देता हूँ, उसके बाद अपन इनके जो दोहे हैं उनके अर्थों को समझेंगे। ये इनका जन्म जो है सन 1398 के अंदर काशी के अंदर हुआ था
और उनकी मृत्यु जो है वो सन 1518 के अंदर मगध में हुई थी। ये ज्ञानेश्वरी शाखा के एक प्रमुख कवियों में से एक है। भक्ति काल के अंदर दो शाखाएं चली, एक ज्ञानेश्वरी और एक प्रेमाश्री, है ना। प्रेमाश्री मार्ग पर चलने वाले जो साकार प्रभु के रूप को मानते थे, और जो ज्ञानेश्वरी मार्ग पर चलने वाले थे वो गुरु को ज्यादा महत्व देते थे, वो निराकार ब्रह्म को मानने में और पाखंड और कर्म कांड आदि से मुक्त रहकर के प्रभु का भजन करने में विश्वास करते थे, ऐसी उनकी विचारधारा थी। तो ज्ञानेश्वरी मार्ग के ये प्रमुख संत कवि थे। आपने उस समय जो अनुभव किया कि समाज के अंदर बहुत तरह की बुराइयां फैली हुई थी, उस जमाने के अंदर छुआछूत बहुत था, ये ऊंची जाति का है, ये नीची जाति का है, पाखंड बहुत था, कर्म कांड में लोग बहुत विश्वास करते थे और उसके आधार पर प्रभु को पाने की इच्छा रखते थे, ऐसे लोगों को उन्होंने विरोध किया। इसके अलावा ये बहुत ही बात के विरोध थे, विरोधी थे, है ना। कोई किसी देव को मानता था, कोई किसी देवता को मानता था, उन्होंने कहा कि ये सब अलग अलग देवता नहीं है, ईश्वर प्रभु तो एक ही है, इसलिए हमें पवित्र मन से उसका भजन करना चाहिए, उसको याद करना चाहिए, तो हम जहाँ रहते हैं वहाँ भी हमें प्रभु प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार उनका कहना था। इनकी रचनाओं का जो एक संकलन है, एक बुक है, जिसके अंदर तीन तरह की विशेष बातें लिखी हुई है, तीन भाग है उसके, उसमें साखी, सबद और रमेंद्र, ये तीन विचारधाराएं अलग अलग लिखी हुई है। साखी के अंदर इन्होंने जो अनुभव किया, साखी का मतलब होता है साक्षी, यानी जो कुछ भी उन्होंने संसार में रहते हुए अनुभव किया उनको साक्षी मान करके और अपनी बातों को उन्होंने लिखा है। वो पढ़े लिखे तो नहीं थे, उन्होंने भी लिखा। उनका एक सेवक था, उसने ये सारी चीज़ें जो है वो लिखी है, बाद में जब वो पढ़ा लिखा हुआ तो उसने पढ़े लिखे आदमी ने लिखी है। उन्होंने तो मौखिक रूप से अपनी वाणियों को कहा है, सबक को कहा है, लेकिन बाद में उनके अनुयायियों ने उनको लिपिबद्ध किया था। तो साखी जिसके 358 साखियाँ हैं, ये एक दोहे का ही रूप है, दोहे को ही साखी कहते हैं। सबद उसके अंदर कुछ वाणियाँ हैं, कुछ रचनाएं हैं जो लगभग 115 है, और रमेली में भी कुछ पद है जिसमें हिंदू और मुस्लिमों के बारे में, उनकी बुराइयों के बारे में कहा है, उनकी कमियों के बारे में बताया कि इन चीज़ों को छोड़ करके और आप जो निराकार ब्रह्म को अगर याद करते हैं, मत मतांतर में नहीं पढ़ते हैं, तो भी हमको प्रभु की प्राप्ति हो सकती है और हमारा जीवन सफल हो सकता है, हमें मोक्ष मिल सकता है, हमें संप्रदायों के अंदर भी बढ़ करके नहीं रहना चाहिए, ऐसी कुछ बातें रमेली के अंदर लिखी हुई। तो इनका जो बीजक है उनमें उनकी विचारधाराओं को, विभिन्न विचारधाराओं को तीन भागों के अंदर लिखा गया है। इस पाठ के अंदर जो दोहे हैं जिसमें सदाचार की बातें कही गई, श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा दी गई, त्याग के महत्व को बताया गया है, मानव को हंस की तरह निरीक्षण विवेक रहना चाहिए। अपन जो दोहा है उसमें भी अपन पढ़ेंगे, कहते हैं कि मानसरोवर पर एक राजहंस होता है, उसकी विशेषता ये होती है, ये कीर्तन किया हो हाँ, तो जनश्रुति है, इसके अनुसार कहते हैं कि राजहंस अगर दूध उसको दे दिया जाए तो दूध दूध को पी लेता है और पानी को भी अलग कर सकता है, ये राजहंस की ही विशेषता होती है। तो जिस तरह से वो दूध और पानी को अलग करता है, तो आगे अपन दोहे में पढ़ेंगे कि उसी तरह से मानव को भी अच्छे और बुरे का भेद करके अच्छे को अपनाना चाहिए, बुराइयों को त्याग देना चाहिए, ये अलग एक दोहे में बताया है। इसके अलावा अभिमान को त्यागने में हिंसा है, कवि कहता है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, विनम्रशील रह करके ही हम जीवन के अंदर सफल हो सकते हैं, सम्मान पा सकते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अहंकारी बन करके कभी भी हम समाज के अंदर श्रेष्ठ नहीं बन सकते,
हम दुनिया के अंदर सफल नहीं हो सकते, इसलिए अभिमान को त्याग करना चाहिए। फिर उन्होंने एक दोहे में बताया, साधु की पहचान जाति से नहीं उसके ज्ञान से होती है। एक दोहे में भी आएगा, अपन पढ़ेंगे कि साधु जो होता है उसकी कभी जात नहीं होनी चाहिए। वैसे भी साधु की तो कोई जात होती है, तो संत बोले तो संसार त्याग दिया तो कोई जात नहीं। लेकिन दूसरे मनुष्यों को भी चाहिए कि साधु के गुण को देखना चाहिए, वो किस वर्ग का है, किस संप्रदाय का है, ये चीजें नहीं देखनी चाहिए। अगर उसके गुणों को देखते हैं तो वो हमारे लिए श्रेष्ठ होता है। फिर एक में बताया कि सत्संगति सार्थक होती है। सत्संगति, सत यानी अच्छी, संगति यानी साथ। अगर अच्छा साथ होता है तो वही हमारे जीवन का निर्माण कर सकता है। अगर बुरा साथ अगर हो जाता है तो हमारा जीवन जो है वो नर्क बन जाता है। फिर एक में बताया, दूर आशा सर्पिणी के समान होती है। हम जो बुरी आशाएं रखते हैं कि मुझे वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, लेकिन दुनिया की बुरी चीजों की अगर आशा रखते हैं तो जिस तरह से सर्पिणी हमको डस करके हमारे जहर फैला देती है, उसी तरह से दुराशा रखने से हमारी जो है हमारा जीवन जहरमय बन जाता है। इसलिए हमें दुराशाएं नहीं रखनी चाहिए, सदाशाएं रखनी चाहिए। फिर एक दोहे में बताया है कि वाणी में कोई सी मिठाई होनी चाहिए। जिब्वा जो है, एक जगह पर कभी ने कहा भी था कि जिब्वा ऐसी होती है कि जीभ के बारे में कहा कि हे जीभ तू तो बोल करके अंदर चली जाती है, और वो खोपड़ी कहती है कि मेरे को जूते खाने पड़ते हैं, इसलिए तू बुरा मत बोल। तो यहाँ भी कबीरदास जी ने समझाया कि वाणी में मिठास होनी चाहिए, मधुरता होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, भाव जो है वो अच्छा होना चाहिए, दूसरों को अच्छा लगने वाला और अपने को भी अच्छा लगने वाला होना चाहिए। तो मधुर वाणी से श्रेष्ठ होती है और वही समाज में सम्मान पाता है, दूसरे को आकर्षित करता है और जगत के अंदर वो सफल होता है। तो मीठी वाणी बोल करके ही हम जीवन में सफल हो सकते हैं। तो आइए हम कुछ रिदम के साथ दोहों को बोलते हैं और साथ ही उसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, जिस टोन के अंदर, जिस लय के अंदर मैं बोल रहा हूँ, आप भी बोलना, आपको आनंद भी आएगा, आपको इसके अर्थ भी समझ में आएंगे और आपको परीक्षा के अंदर उत्तर लिखने के लिए बहुत सारे शब्द भी मिल जाएंगे। तो निरंतर बोलने से, सतत प्रयास करने से, अध्ययन करने से हम लोग किसी चीज़ को याद कर सकते हैं और ये जीवन उपयोगी भी है। साहित्य कभी भी जो है बुरा नहीं होता। साहित्य हमारे जीवन को बदलता है, हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाता है। तो कबीर जैसे लोगों के विचारों की भी आज प्रासंगिकता है, इसलिए आप इसको ध्यान से सुनना। और मैं बोल रहा हूँ, आप भी मेरे साथ बोलना, जहाँ भी रहते हैं आप घर में आवाज़ करते हुए बोलना और इसको समझने का प्रयास करना। तो आइए पहला दुआ आप लेते हैं कि त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निहचे किया विचार। सुनिए गुण की बारता औगुण लीजे नाही, हंस क्षीर को गात है नीर सो त्यागे जाही। छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे मेरे ही अनिज भी। इन तीनों का पता समझते हैं और उसके बाद अपन आगे वाले दोहे लेंगे। तो पहले दोहे में कबीरदास जी कहते हैं, त्याग के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि हमें अगर त्याग करना है तो निस्वार्थ और एक ही बार में कर लेना चाहिए। पंक्ति में क्या कहा, त्याग तो ऐसा कीजिए, आपको त्याग ऐसा करना चाहिए कि सब कुछ एक ही बार, आगे पीछे नहीं सोचना है? कि मैं ये यहां दान करूं कि नहीं करूं, किसी के लिए त्याग करूं कि नहीं करूं, कोई मुझे घर पे क्या कहेगा, बाहर क्या कहेगा, ऐसा कुछ आता पीछा सोचने बिना त्याग एक ही बार में कर लेना चाहिए। छोड़ना है वो एक ही बार में छोड़ देना चाहिए, उसके लिए विचार नहीं करना चाहिए। और फिर
अपने मन में क्या विचार करना कि सब प्रभु का मेरा नहीं। हाँ, कितनी बढ़िया बात है कि व्यक्ति मुट्ठी बांधे यहां आया भाई, हाथ पसारे आता से हम बंद मुट्ठी से आते हैं और मरते हैं तो हथेली खुली की खुली रहती है, कोई भी मुट्ठी में लेकर के नहीं जाते। कितने जीवन की सार्थक बात कही है मित्रों कि हमें सब प्रभु का है मेरा नहीं। नीचे किया विचार, नीचे का मतलब है दृढ़ निश्चय। इस बात को दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि ये संसार की सारी चीजें मेरी नहीं है। इसलिए जब जब भी हमें त्याग करना हो तो बिना कोई आका पीछा सोचे हमें त्याग कर लेना चाहिए। इसके लिए विचार नहीं करना। कबीर ने कहा कि त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार। हमें त्याग ऐसा करना चाहिए कि एक ही बार में करते हैं, उसके लिए कुछ सोचे नहीं। सब प्रभु का मेरा नहीं, नीचे की अच्छा, ये सब कुछ जो है वो संसार की चीजें प्रभु की है, मेरी इसमें से कुछ भी नहीं है। इसलिए त्याग करने में हमें देर नहीं लगनी चाहिए, निस्वार्थ भाव से हमें त्याग कर लेना चाहिए। आपको शायद समझ में आया होगा। फिर दूसरा दोहा लेते हैं। सुनिए गुण की पाठ, क्या मैं सुनिए यानी सुनो, गुण यानी गुणवान, वार्ता यानी वार्तालाप, बातचीत, हमें कैसी बातें सुननी चाहिए जो गुणों से भरी हुई, ग्रहण कौन सी करनी चाहिए जो गुणों से भरी हुई हो, हमारे जीवन को बदल सकती हो, हमारे जीवन का निर्माण कर सकती हो, ऐसी बातों को ही सुनना चाहिए। अवगुण लीजिए ना है। और बात जो हो रही है उसमें अपने विवेक से काम लेना चाहिए कि उसके अंदर कोई अवगुण तो नहीं। अवगुण यानी अवगुण, कि इसके अंदर अवगुण तो नहीं है। अवगुण लीजिए ना है कि आप सारी वार्ता को सुन लीजिए लेकिन उसमें से गुणवान गुणवान गुणी गुणी बातें अच्छी अच्छी बातें ग्रहण कर कीजिए, लेकिन अवगुण की बातों को हमें नहीं लेना है। लीजिए यानी लेना को, हमें अवगुण की बातों को, जो बुरी बातें हैं जिसके अंदर गुण नहीं है, ऐसी बातों को ग्रहण नहीं करना चाहिए और हमारे जीवन उपयोगी बातों को ग्रहण कर लेना चाहिए। किस तरह से, एक उदाहरण दिया कि हंस चीर को गहक है। हमें अगला जो बात करना है उसमें से गुणी और अवगुणी बातें कैसे, कि जैसे राजहंस जो होता है वो चीर है, चीर का मतलब खीर भी होता है, दूध भी होता है ना, पेट का सफेद रस भी होता है, कई अलग अलग होते हैं। यहाँ पर दूध से मतलब रहते हैं कि राजहंस जो होता है हंस चीर को गहक है, गहक यानी ग्रहण करता है। हंस जो है वो दूध को तो चीर को तो ग्रहण करता है और नील सो क्या नीचा है, और जब वो दूध को ग्रहण करता है तो नील को यानी पानी को, नील यानी पानी और त्याग यानी त्यागता है, जान यानी जाता है। वो दूध को ग्रहण करते समय दूध दूध का भाग ग्रहण करता जाता है और पानी को त्यागता जाता है। इसी प्रकार हमें भी अगर आगे वाला कोई चापलूसीपूर्ण बात कर रहा हो तो अपने विवेक से काम लेना चाहिए और उसमें से अपने जो मतलब की अपने जीवन उपयोगी बातों को ग्रहण करना चाहिए और बुरी बातों को धीरे धीरे त्यागते रहना चाहिए। जिस तरह से हंस दूध दूध ले लेता है और पानी को त्यागता जाता है, उसी तरह से हमें किसी भी व्यक्ति की बातचीत को सुनना तो चाहिए, उसमें से श्रेष्ठ बातों को ग्रहण करना चाहिए और अनुपयोगी बातों को त्याग करना चाहिए। इस प्रकार इन्होंने बात बताई कि हमें अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए जीवन में। तीसरा जो दोहा है, छोड़े जब अभिमान को, जब आप अभिमान को छोड़ देते हैं, घमंड को छोड़ देते हैं, अहंकार को छोड़ देते हैं तो सुखी भया सब जीव। जो जो व्यक्ति अभिमान को छोड़ता है वो सब सुखी हो जाता है, उसको किसी की चिंता नहीं रहती। भाव है कोई कचुक है, जब आप अहंकार को छोड़ेंगे तो आप विनम्र से बन जाएंगे, शांत बन जाएंगे, एकाकी बन जाएंगे, तब आपके ऊपर कई तरह के लोग बातें करेंगे, टीका टिप्पणी करेंगे। मीना को कोई कम सताया था,
वो भगवान की भक्ति में उन्होंने अहंकार छोड़ दिया, राज महल का अहंकार छोड़ करके भगवान की भक्ति में लग गई। लोगों ने न जाने उन्होंने क्या क्या कहा और कैसे कैसे प्रताड़ित किया, लेकिन मीरा ने उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं दिया। उसी तरह से कहा कि अहंकार को छोड़ करके हमें सुखी होना चाहिए, फिर भले भाव कोई कुछ हुए, भाव यानी जो कुछ भी इच्छा हो, लोग चाहे कुछ भी कहते रहे, मेरे लिए निज के, मेरे तो हृदय के अंदर केवल अपनी आत्मा के अंदर परमात्मा का निवास हो जाएगा, मैं उसी का सुमिरन करूंगा, उसी में लग जाऊंगा, अहंकार को छोड़ दूंगा, भगवान की भक्ति में विनम्रता पूर्वक लग जाऊंगा, फिर भले लोग कुछ भी कहें, मैं उस चीज को त्यागूंगा। यानी व्यक्ति को खुद को खुद का कर्ता धर्ता मान करके और अभिमान नहीं करना चाहिए, ये यहाँ पर प्रेरणा दे रहा है। कभी कह रहा है कि आप स्वयं अपने कर्ता धर्ता है, आप स्वयं अभिमान को त्यागिए, विनम्र से बनिए, भगवान की भक्ति कीजिए, फिर भले आपके ऊपर कोई टीका टिप्पणी करता हो, आपको चाहे कुछ भी कहे, लेकिन अपनी आत्मा के अंदर परमात्मा का निवास करना चाहिए, उसी में ध्यान लगाना चाहिए, और उन्हें जो आलोचक है उनको एक ही जवाब देना चाहिए कि मेरे तो किरदार गोपाल दूसरा है, मेरी आत्मा में तो परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं है, इसलिए कहा मेरे ही निज भी, निज यानी अपने, ही यानी प्रभु है ना, परमात्मा मेरे तो हृदय में परमात्मा का निवास है, मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं है, इसलिए कोई मेरी आलोचना करे या कुछ भी कहे तो कहे, मैं अपने तरीके से आत्मा को परमात्मा बना करके अहंकार को त्याग करके जीवन जीऊंगा। इस प्रकार की सीख देता है, तो हमें भी चाहिए कि हमें अहंकार को त्याग करके और अपने तरीके से विनम्र पूर्वक प्रभु का भजन करते हुए, सेवा भावना से, स्नेह रखते हुए, श्रद्धा रखते हुए, आस्था रखते हुए जीवन को जीना चाहिए। ये तीन दोहे मैंने पढ़ाए हैं, अब अपन आगे वाले मैं बोर्ड पर वापस लिखूंगा और फिर आपको आगे बढ़ाऊंगा।